जादुई पैंट पाता है जिसके जेब खाली थी, लेकिन जादुई शक्तियां लगातार नोट दे रही हैं। उन्होंने एक दिन में 1 अरब निकाल लिया। वो गरीब लड़का तुरंत एक अमीर आदमी बन गया। इसके बाद वो अपने दोस्त होबो को जबरदस्त शॉपिंग में ले गया। उन्होंने खूब सारे स्नैक्स और खिलौने खरीदे और खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी खरीदे। उन दोनों ने खूब सारे व्यंजन भी ऑर्डर किए। चेकआउट के दौरान कैशियर ने हैरानी से टेबल की ओर देखा। अब वो दोनों लड़के बड़ी बड़ी कारों में घूमने लगे। उन्होंने बहुत सारे ड्राइवर भी रख लिए। उनकी अमीरी को देखते हुए लड़कियां भी उनकी दीवानी हो गई थीं। कुल मिलाकर उनके पास नोटों की बरसात हो रही है। यह उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपनी परेशानियों को कम करने के लिए वो लोग अब सिर्फ गेम खेलने लग गए। लेकिन जब पापा घर आते हैं तो वे खिलौनों को तुरंत अलमारी में छिपा देते हैं, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम बची है। अगले दिन उसके पिता को उसका नया और महंगा फोन मिल गया। इस बात पर उसके पिता उसे बहुत चिल्लाए। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वो फोन चोरी किया है। लड़के को इस बात से बुरा लग गया। वो उस कमरे से जल्दी से भाग गया और वो पार्क की बेंच पर अकेले बैठकर रोने लगता है। उसी दौरान वहाँ एक बेघर गरीब आदमी आकर बैठ जाता है। वो उसे दिलासा देने लगता है। उसने उसे अपना कुत्ता भी दे दिया। लड़के को उस बेघर आदमी पर तरस आ जाता है। उसने बहुत सारा पैसा निकाला और बेघर आदमी को दे दिया, लेकिन उसे लगा कि उसे एक बच्चे से पैसे नहीं लेने चाहिए, तो पैसे वापस करने के लिए उसके पीछे जाने लगा। अगले क्षण बेघर आदमी एक गुजरती हुई कार से टकरा गया। इससे लड़का अपने आप को कोसता है। वो अब बहुत दुखी हो गया है। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि वो बेघर को कुछ मुआवजा दे। तो एक दिन बेघर आदमी के पास एक ड्राइवर लग्जरी कार से उसे लेने आया। दरअसल लड़का चाहता है कि बेघर आदमी अमीरों के जीवन का अनुभव करे। लड़के ने सबसे लंबे डीलक्स भोजन का ऑर्डर दिया। उनका दिल खुशी से भरा है। वो दोनों अब बहुत प्रेरित महसूस कर रहे हैं। वे एक पूल के नीचे गए। यहाँ बहुत से बेघर लोग हैं और कुछ बच्चे भी बेघर हैं। इसलिए उसने अपनी पैंट से निकले पैसों को बांटने का फैसला किया। उनकी दयालुता का भी हर कोई सम्मान करता है। जब वो इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए रात को घर आता है, उसने पाया कि कुछ बच्चे स्कूल जाने का खर्चा भी नहीं उठा सकते। पहाड़ी इलाकों में कुछ बच्चे तो साफ पानी भी नहीं पी पाते। जियोमी ने इन सभी जगहों के बारे में इंटरनेट से जानकारी निकाली। फिर उसने अपने जेब से खूब सारे नोट निकाले। वो तब तक नहीं रुका जब तक हाथों पर छाले न दिखने लगे। फिर उन्होंने सारे पैसे लिफाफों में डालकर मेलबॉक्स में डाल दिए और दूसरी तरफ स्विस बैंकों में से भारी नकदी गायब हो रही थी। जब से उसने जादुई पैंट उठाई है, उसने उस पैंट से खूब सारे पैसे निकाले और उधर दूसरी तरफ स्विस बैंकों में भारी नकदी गायब होने लगता है। लेकिन बैंक के तिजोरी का दरवाजा अभी भी बरकरार है। यहाँ तक कि सर्विलांस में भी चोरी के कोई निशान नहीं मिले। यह वाकई अजीब है। उस पैंट की भी तलाश जारी है। उन्हें कूड़ेदान के पास उस लड़के का आईडी कार्ड मिला। यह पता चला है कि पैंट समुद्र की गहराइयों से लोआन नामक आदमी को मिली थी। अभी चीनी पुलिस अधिकारियों ने लोआन पर गोलियां बरसाए। लड़के ने गलती से इसे उठाया लिया था। लड़का रात में पिता के साथ टीवी देख रहा है। टीवी पर बैंक डकैती की खबर देखकर लड़का घबरा जाता है। वह चिंतित हो जाता है। पिताजी को लगता है कि वो बकवास कर रहा है। उसने आखिरकार अपने बेटे को पैसे निकालते हुए देखा। पिता घबरा गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि पैंट उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने उसे समझाया। आधी रात को चोरों के एक गिरोह ने लड़के के घर में सेंध लगा दी और लड़के के पिता को भी अगवा कर लिया। लड़का भाग गया। वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। लड़का अपने दोस्तों के पास जाता है। वो लोग चर्चा करते हैं कि उसके पिता को कैसे बचाया जाए। लड़के के पास उसके पिता का फोन आया। यह गैंगस्टर बॉस का फोन है। वो उसके पिता के बदले जादुई पैंट मांगता है। तीनों बच्चे तय किए गए जगह पर पहुंच जाते हैं। थोबो ने मामला सुलझाने के लिए पैसे निकाले, लेकिन उसे सीधे ब्लैक बॉस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़के ने अपना मोबाइल फोन निकाला और बेघर आदमी का पता लगाया। उसने अपने बेघर दोस्त को अपने पिता को बचाने में मदद करने के लिए कहा। बेघर आदमी को एक कार मिल गई। पिता को बचाने के लिए वो उसे चुरा लेता है। उधर पुलिस ने शॉपिंग मॉल की निगरानी की और उन्हें वो अमीर लड़का कैमरे में दिखता है। वो अब बैंक चोरी मामले में एक महत्वपूर्ण संदिग्ध बना गया है। पुलिस ने उन्हें चौराहे पर रोका, लेकिन उन्होंने अपनी कार घुमाई और भाग गए। पीछे पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है। बेघर आदमी को अपनी कार को रास्ते से हटाने का मौका मिल जाता है। उन्हें पुलिस की गिरफ्त से निकलने में सफलता मिल जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। पुलिस वहां वापस आ जाती है। इस दौरान बदमाशों ने भी उनका पीछा किया। जल्द ही लड़का पकड़ा गया। तभी लड़की ने ताकतवर आदमी पर गुलेल से हमला किया और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लड़का सफलतापूर्वक भाग निकला और वो दोनों एक पाइप में छिप गए। इसी समय बदमाश आदमी भी वहां आ जाता है। लड़का अब उस पैंट की जोड़ी से परेशान हो चुका है। उसे उसमें से नोट मिलते हैं। दरअसल यह बात स्थानीय अंडरवर्ल्ड को पता लग गई थी और वो उसका पीछा करने लगे। अब वो लड़के को ढूंढने के लिए पाइप में झांकता है। उसने देखा कि लोहे के जाल के नीचे जगह थी। उन्हें लगता है कि लड़का लोहे के जाल के नीचे से भाग गया है। सब ने तेजी से उसका पीछा किया। लड़का कुछ ही देर में